to Jain Tutorial Series. Jain Tutorial online classes for physics, chemistry and maths. Today we are in mathematics. Chapter is relation function. आज खत्म होने वाला function. उम्मीद है सारे वीडियो 5 नंबर तक देख लिए होंगे. 6 वीडियो है. Invertible क्या है बता दिए थे. Composite function क्या है बता दिए थे. Invertible शुरू किए थे. आज हम कुछ question solve करके दिखा रहे हैं आज का वीडियो में. Exercise 2D आरएस अग्रवाल का. देखिए 1, 2, 3 बना लिए होंगे. 4 नंबर 1, 2 और देख लिए कैसे प्रूव करेंगे कि इनवर्टिबल है और कैसे इनवर्स निकालते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 4 क्या प्रूव करना है. 1, 1 मान लो वैल्यू किस बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं. 1/2 3x1 + 1 = 1/2 3x2. कुछ कुछ तो छोटा नहीं बना लेंगे ना, बना लेंगे कोई. 3x1 + 1 = 3x2 + 1 कट जाएगा. 3x1 = 3x2 3 3 कट गया. ये प्रूव करना बहुत इजी है. तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज क्या हो गया 1 1. क्लियर है. अब क्या करेंगे 4 on 2 फंक्शन के लिए. 4 on 2 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, y = fx करिए. सबसे पहले y का वैल्यू x के टर्म में लिखिए, 1/2 3x + 1. फिर क्रॉस करिए और x का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, 2y - 1/3. क्लियर सर. y का निकालिए x के टर्म में और फिर x निकालिए y का टर्म में. अब हम लोग क्या करेंगे, fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू क्या है, 1/2 3x + 1. 1/2 अब x पुट करिए. अगर y आंसर आया तो बोलेंगे इनवर्टिबल है, मतलब ऑन टू है. बोलिए क्या x का वैल्यू क्या निकाले लो, 2y - 1/3 2y - 1/3 + 1. 3 3 कट जाएगा. 1/2 2y - 1 + 1 1 कट जाएगा. 1/2 × 2y तो क्या हो जाएगा, y बचा. तो fx का वैल्यू y आ गया. इसका मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू fx से, fx का वैल्यू y प्रूव कर दिए. इसका मतलब क्या हुआ, fx इज क्या हो गया, ऑन टू. सो fx इज क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल. f इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. इक्वल टू क्या होगा, x के टर्म में आंसर लिखिए, x इक्वल टू क्या होगा, 2y - 1/3. यही क्या है, f इनवर्स. कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर है. एक और बैठक दिखाते हैं. ये क्वेश्चन है 4 था. आज से बुक को फॉलो करिए. एक्सरसाइज 2D चल रहा है. 1, 2, 3, 4 बना ली. 1, 2, 3 बनाए हुए अपने से पिछला वीडियो देख के. अभी 5, 6, 7, 8 बना के दिखा रहे हैं. नोट कीजिए. नंबर 5 देखिए. आर्स अग्रवाल एक्सरसाइज 2D. एफ एक्स दिया, दो क्वेश्चन दे दिए. एफ ओ एफ का वैल्यू एक्स चाहिए और एफ इनवर्स का वैल्यू निकालना, मतलब इनवर्टिबल वाले ये दिखाना है. ध्यान से देखिए एफ एक्स 4 क्या दिखाएंगे. सबसे पहले 4 1 1 दिखाना है आपको. एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू होगा. 4x + 3/6x = 1 लिखिए. फिर यहां पे क्या लिखिए, 4x + 3/6 और यहां पे क्या लिखिए, 2 लिख दीजिए. सिंप्लीफाई करिए, काटा काटी करिए. क्या आना चाहिए, x1 = x2 शो करना पड़ेगा आपको. चलिए क्रॉस करिए. 4x1 + 3 × 6x2 - 4 = 4x2 + 3 6x1 - 4. मल्टीप्लाई करने आता है. 4 6 = 24x1 x2 4 4 = 16x1 3 6 = 18x2 - 12. मुझे क्या है, 24x1 x2 - 16x2 + 18x1 - 12 - 12 - 12 कैंसल. 24x1 x2 कैंसल. इधर लाइए x1 वाला टर्म, -30 - 16 और 18 34 क्या होगा, x1. उधर ले -34 क्या आएगा, x2 काट दीजिए. x1 = क्या आ गया, x2. तो क्या बोलेंगे, fx इज का बोलेंगे 1 1. fx इज 1 1 फंक्शन. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी है. अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा ऑन टू के लिए. पहले मैं सेकंड को सुना रहा हूं, सेकंड को सुना रहे. 4 on 2 के लिए क्या करेंगे, y = क्या करेंगे, fx. y का वैल्यू क्या होगा, 4x + 3/6x - 4. क्लियर है. क्रॉस करिए, हमको x निकालना है.
6xy-4y=4x+3 क्रॉस कर लिए, क्लियर है? आपको x निकालना है, इधर लाइए 6xy-4x=3+ क्या होगा 4y, क्लियर है? समझ में आ रहा अच्छा से? कितना बार तो बना दी, 5-6 क्वेश्चन कर दिए एकदम क्लियरली, समझ में आ रहा होगा? अब x कॉमन करिए, कितना होगा 6y-4 3+4y, तो x का वैल्यू क्या निकला 3+4y/6y-4, क्लियर है? x निकाल दीजिए y का टर्म में। अब हम लोग वापस जाइए कहां पे, फंक्शन में, फंक्शन का वैल्यू क्या है 4x+3/6। अगर ये वाला x का वैल्यू पुट करिए, अगर y आ जाएगा तो बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, क्लियर है? अब तो इतना मैं बता दिया, तो आपको उम्मीद है 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट किसी बोर्ड से एकदम आराम से समझ में आ सकता है। बोलिए पुट करिए, क्या पुट करिए, हमको इसका वैल्यू y पुट करना है y के टर्म में, और y आना चाहिए लास्ट में, 4x का वैल्यू क्या निकाले 3+4y/6y-4+3, 6 × 3+4y/6y-4 कितना है 6, x का वैल्यू पुट कर दिए और माइनस क्या है 4, कुछ नहीं किया, x के जगह वैल्यू पुट कर दिए y के रूप में जो निकाले थे, नोट कीजिए खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा fx का वैल्यू, एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा 6y-4 कितना हो गया 3 × 4 = 12 + 16y + 3 × 6 = 18y - 3 × 4 = 12, नीचे भी ऐसे मुझे 6y-4 क्या होगा 6 × 3 = 18 + 12y - 4 × 6 = 24y + क्या होगा 16, ये वाला कट गया, क्लियर है? ऊपर में कितना हो गया, कहीं गलती की 18 ऐसे हम ये सॉल्व कर लिए, ऊपर में कट जाएगा 12 34y / क्या बचेगा 34 क्या होगा y, सॉल्व कर आता कर लीजिएगा आप इसे, क्लियर है? इसे क्या प्रूव हो गया fx का वैल्यू y आ गया, y का वैल्यू fx से, fx का वैल्यू y दिखाना, fx किस पे बोलते हैं लोग, ऐसा रहेगा तो ओ2, अगर बोले इनटू प्रूव करने, कभी कभी आता है इनटू प्रूव कर दीजिए, नहीं आएगा तो बोलेंगे इनटू है, fx का वैल्यू y दिए बोलेंगे इनटू है, 1 1 बोलेगा मेनी 1 प्रूव कर दीजिए, तो x1 = x2 जाएगा तो 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो जाएगा, क्लियर है? तो fx इज क्या हो गया ओन टू फंक्शन हो गया, तो क्या बोलेंगे fx इज 1 1 1 1 एंड क्या हो गया ओन टू, इसलिए क्या होगा f इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट, f इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट, क्लियर है? और तो f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए जब लिखे थे ना क्या होगा f इनवर्स 3+4y/6y-4, इसको बोलते हैं f इनवर्स, कभी कभी इसी को क्या कहते हैं बुक में 6x के टर्म में लिखते हैं, कोई बात नहीं लिख सकते हैं, y के जगह x भी लिख सकते हैं, ये है इनवर्स फंक्शन। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या है एपो एप दिखाना है, एफ ओ एफ का वैल्यू एक्स दिखाना है, बोलिए क्या एफ ओ एफ भी दिखाना है, बोलिए एफ एक्स का फंक्शन पुट करिए अपने आप आंसर आएगा, एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे क्या है एफ एक्स वैल्यू 4x+3/6x-4, फिर एफ एक्स का फंक्शन क्या है 4x+3/6x-4, एक्स से क्या लिखेंगे 4x+3/6x-4, 4x+3 नहीं एफ एक्स का फंक्शन लिख दिए हम, एफ ओ एफ पिछला एक्सरसाइज 2 भी पढ़ चुके हैं, वैल्यू पुट कर दिए, अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए क्या बस 6 × 4 = 16x + क्या होगा 12, क्लियर है? प्लस क्या होगा 18x - क्या होगा 12 / क्या होगा 24x + 18 - 24x + 16, कर जाएगा सब कुछ ऊपर बचेगा 34x/34 आया है x, f o f का वैल्यू x, क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, fx का वैल्यू 9x2 + 6x - 5 और f इनवर्स निकालने को रहा है, तो जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा होल स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के टर्म में हटाइए,
थ्री एक्स का स्क्वायर लिखिए, 2 × 1 × 3x लिखिए, क्लियर है, 1 का स्क्वायर लिखिए, मतलब -5 -1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए ऐसा किया, आता है परफेक्टली स्क्वायर कैसे बनाते हैं, इसको लिख दिए 3x² 6 को लिख दिए 2 × 3x × क्या लिख दिए 2ab, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर घटा दिया, 5 लिखा हुआ है, यानी क्या हो गया 3x + क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 3x + 1 का होल स्क्वायर यहां तक हो गया, देखिए अब 5 पे लिख दिया 6, तो क्वेश्चन को हमेशा ऐसा कर लीजिएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्लियर है, स्क्वायर होल स्क्वायर किस आते हैं, 9x को लिखिए 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3x, 6 लाने के लिए 1 ही लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर जोड़िए, 1 का स्क्वायर घटा दीजिए, तब ना a² + 2ab + b² + -5 लिखा, तो यहां से यहां तक होल स्क्वायर बन गया 3x + 1 का होल स्क्वायर, और 5 में 1 है 6, इसको सॉल्व करके यही बनाएगा, अंडरस्टूड, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 क्या दिखाना पड़ेगा, 1 1, देखिए कैसे इसमें नहीं बना पाइएगा, इसका 1 1 नहीं प्रूव कर पाइएगा, इसे इजी बनता है, f(x1) = क्या होता है, f(x2) होता है 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, सबसे पहले 6 कट जाएगा, 3x1 + 1 का होल स्क्वायर = 3x2 + 1 का होल स्क्वायर, इसको हट जाएगा, 3x1 + 1 = 3x2 + 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 3x1 = 3x2, x1 = x2, तो क्या बोलेंगे, fx = 1 1, अंडरस्टूड, यहां पे मत बनाइएगा, इस स्टेप से शुरू करिएगा, यहां से बनाइएगा तो प्रूव भी नहीं कर पाइएगा ये वाला, अब आइए 4 क्या चीज के लिए, ऑन टू लेट y = क्या करिए, 3x + 1 का स्क्वायर -6, क्या करते हैं मालूम ना, y = क्या करते हैं लोग, fx, तो बोलिए क्या, y + 6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर, यानी 3x + 1 = √ क्या होगा, y + 6, 3x का वैल्यू क्या होगा, √y + 6 - 1, और x का वैल्यू भी निकाल दिए, y + 6 - 1/3, क्लियर है, x निकाल दिए y के टर्म में, अब क्या करेंगे, 4 fx का वैल्यू क्या है, y, fx का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, वैल्यू पुट करेंगे क्या चीज, x के जगह √y + 1 - 1, है ना, सॉल्व करेंगे इसके बाद, बोलिए क्या होगा, 3x के लिए क्या पुट करेंगे, √y + 6 - 1/3 + 1 का होल स्क्वायर -6, क्लियर है, x की जगह क्या पुट कर दिए, y के टर्म में, 3 3 कट जाएगा, क्लियर है, वैल्यू पुट करिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, y + 6 - 1 y + 6 - 1 का होल स्क्वायर, y + 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसको तोड़ेंगे है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ देखिए y बचेगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, तोड़ेगा होल स्क्वायर में है ना, सॉल्व करेंगे तो y बचेगा, तो क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू y आ गया, तो क्या बोलेंगे, fx इज क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे, तो fx इज क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन, तो बोलिए f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, √y + 6 - 1/3, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस प्रकार क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, कैसे इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए, देखिए 4x को लिखिए 2x का स्क्वायर, सीधे यहां पे 2 लिखिए 2x लिखिए, और 12 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 4 × 3 लिखना पड़ेगा, किस लिखे वाला, 4x का स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखिए, अब यहां पे 12x के पहले 2 लिखने के बाद 2x प्लस 2a हो गया, क्या लिखेंगे 12 आएगा 6, तो 12x को लिख, सॉरी 3, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 3 6 12 आ गया, 3 मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए घटा दीजिए और क्या लिखा हुआ 15 लिखा हुआ, एक प्लस कर दी, क्यों किया, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर, 15 में 9 गया क्या हो जाएगा 6,
आप जाके बनाएंगे तो इजी बनेगा। सुनाएंगे क्वेश्चन सिंपल ऐसा हो गया, बल बड़ा किस बनाया है, होल स्क्वायर करने आ गया। अब क्या लिखेंगे, फोर वन वन के लिए, वन वन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस सिक्स, इसमें वन लिखिए इसमें टू लिखिए, सिक्स सिक्स काट दीजिए, टू एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू टू एक्स टू प्लस थ्री, थ्री थ्री काट दीजिए, उठा दीजिए दोनों का, टू एक्स टू 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 काटिए, आएगा ही एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज क्या बोलेंगे, वन वन, क्लियर है, एफ एक्स इज वन वन। अब लोग क्या प्रूफ करेंगे, एफ एक्स इज ओन टू, एफ एक्स इज ओन टू, फोर क्या प्रूफ करने के लिए, ओन टू प्रूफ करने के लिए y इक्वल टू क्या कीजिए, एफ एक्स, y का वैल्यू एफ एक्स क्या, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स, क्लियर है, y माइनस सिक्स इक्वल टू क्या, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई माइनस सिक्स का रूट ओवर, क्लियर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर y माइनस सिक्स माइनस थ्री बाई टू, x निकल गया, क्लियर है, टू एक्स प्लस थ्री उधर गया माइनस थ्री हो गया, और टू से डिवाइड कर दिए पूरा को, यानी क्या गया, वन बाई टू रूट ओवर वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री, एक्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में बोलिए, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस क्या सिक्स, पुट करिए टू इंटू एक्स का वैल्यू रूट ओवर क्या है वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री बाई क्या होगा टू, क्लियर है, प्लस क्या है थ्री, क्लियर है, का होल स्क्वायर प्लस सिक्स कट जाएगा टू टू, क्लियर है, वाई माइनस सिक्स का कट जाएगा क्या हो जाएगा वाई माइनस सिक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स और थ्री थ्री कट जाएगा और प्लस क्या होगा सिक्स, तो वाई आया। तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज क्या बोलेंगे ओन टू, सो एफ इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट, एफ इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, यही वाला आंसर होगा वन बाई टू रूट ओवर वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री। तो आपका हमको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या होता है इनवर्टिबल फंक्शन, क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, एग्जाम में इन्हीं दोनों टॉपिक से आता है। इस तरह से आपको हम सारा वीडियो से छह छह वीडियो दिए हैं फंक्शन पढ़ने के लिए, रेशन बहुत इजी था, अपने से बुक से ही बनाइए एग्जाम बनने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर से।